नमस्कार, सबरन समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपने बजट भाषण में बताया कि इस बार के बजट में आधुनिक भारत डिजिटल सेवाओं पर फोकस किया जा रहा है। GST के जरिए सरकार के ऋण में आय कटौती को भी उजागर किया गया है। कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल के कारण राज्य भर के बैंकों की 2372 शाखाओं में कामकाज ठप रहा। सुबह 11 बजे से ही बैंक कर्मचारी अपनी शाखा के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। इसके साथ ही मेन रोड पर बैंक ऑफ इंडिया के सामने कर्मियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की प्रमुख मांग वेतन वृद्धि के साथ पुरानी पेंशन योजनाओं को फिर से शुरू करने की है। राज्य बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक राहुल कुमार कुरवार को ये पद से हटा दिया गया है। उन्हें फिलहाल कार्मिक विभाग में योगदान करने का आदेश दिया गया है। राहुल कुमार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। इन्हीं शिकायतों के आलोक में राज्य सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। चीन के खतरनाक कोरोना वायरस को लेकर देश भर में जारी अलर्ट के बीच चीन से आने वाले लोगों और सामान की भी सघन जांच हो रही है। शुक्रवार को चीन के संघई से रांची आए 2 छात्रों के रक्त के नमूनों की जांच की गई। दोनों छात्र चीन के संघई में PhD की पढ़ाई कर रहे थे। फिलहाल उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। राजधानी का तापमान पिछले 24 घंटे में 7 डिग्री सेल्सियस गिरा है। आकाश में बादल छाए रहने के कारण न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। तापमान गिर जाने के कारण धूप में भी ठंड का एहसास हो रहा था। मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान किया है कि 3 फरवरी तक राजधानी का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी सिंहभूम के कुद्री में 7 आदिवासियों की हत्या पर चिंता जताई है। 1 फरवरी से शुरू हो रहे लोकसभा के बजट सत्र को लेकर संसद के लाइब्रेरी बिल्डिंग में NDA की हुई बैठक में उन्होंने अपने संबोधन में इस घटना पर चिंता जाहिर की, साथ ही देश की मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा की। उक्त बैठक में आज की ओर से उपस्थित सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने इस बात की पुष्टि की है। लेकिन एक अदालत ने शुक्रवार को निर्भया गैंग रेप और हत्याकांड मामले में 4 दोषियों की फांसी अगले आदेश तक रोक दी है। पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा ने आदेश दिया। चारों दोषियों के वकील AP सिंह ने फांसी देने पर रोक लगाने की मांग की थी। गुमला में शौचालय निर्माण के लिए फरवरी 2019 तक विभिन्न समितियों को 104 करोड़ रुपए बतौर अग्रिम दिए गए, लेकिन कैश बुक में इस बात का ब्यौरा नहीं है कि राशि का शौचालय निर्माण हुआ या नहीं। इसी मामले में हो रही जाँच में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इन राशियों का बंदर बांट कर लिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सबरंग के साथ। नमस्कार।